वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और दबाइए ये बेल आइकन हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बिंदास परिंदे। तो आई होप आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं त्रियुंड ट्रैक, जो एक्चुअल में शुरू होता है मैक्लोडगंज से। मैक्लोडगंज और रास्ते में हम होटल का ढाबा रुके, बहुत ही अमेजिंग फूड हमने खाया और बहुत ही इंजॉय करते हुए हम यहाँ मैक्लोडगंज आ गए। हमने मैक्लोडगंज में होटल सर्च किए तो यू नो इट्स अ वेरी कमर्शियल प्लेस और थोड़ा सा हमें हाई मतलब थोड़े एक्सपेंसिव भी लगे होटल्स। तो देर इज अ प्लेस कॉल्ड भक्शू जो कि मैक्लोडगंज से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये हमारे होटल रूम का व्यू है, आप देख सकते हैं कि भक्शू से व्यू अमेजिंग है। भक्शू के अलावा देर इज अ प्लेस कॉल्ड धर्मकोट ऑल्सो जो वही अगेन 1 to 2 kilometers है, तो आप वहाँ भी होटल सर्च कर सकते हैं। होटल्स अमेजिंग है, प्लस यू विल गेट अ होटल एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट। तो बहुत एक्साइटेड है हम ट्रैक के लिए, तो मैं आपको ट्रैक का बताती हूँ। सो त्रियुंड ट्रैक के लिए वहाँ कोई होटल्स नहीं है, कुछ नहीं है, हमें टेंट्स में रहना पड़ेगा जो अपने में ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप वहाँ जाकर भी टेंट बुक करा सकते हैं, पर यहाँ भी आप टेंट बुक करा सकते हैं। तो आई विल गिव यू अ सजेशन कि आप यहीं से बुक करा कर जाइए, बिकॉज वहाँ जाकर कैसा मिलेगा, क्या होगा, प्लस यहाँ 2-3 ऑप्शन सर्च करके एक कंफर्टेबल टेंट जिसमें अच्छे स्लीपिंग बैग्स हो, थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हो लाइक ब्रेकफास्ट डिनर, क्योंकि वहाँ मील्स भी इंक्लूडेड होती हैं सब में, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बुक करा सकते हैं, राइट। तो हमने लोकल लोगों से यहाँ पता किया जाने का वे और जाने का रास्ता। तो इट्स अ टोटल ऑफ अराउंड 10 to 11 kilometers का ट्रैक है फ्रॉम मैक्लोडगंज टू त्रियुंड, पर एक बीच में गल्लू का टेम्पल करके जगह है जहाँ तक आप एक कैब या एक ऑटो से जा सकते हैं। तो हम कैब बुक करने वाले हैं टिल गल्लू का टेम्पल, और फ्रॉम गल्लू का टेम्पल टिल त्रियुंड इट्स जस्ट 4-5 kilometers, राइट। तो इतना ट्रैक तो बनता है, ट्रैक करने आया भाई, बाकी की बातें हम रास्ते में करेंगे आपसे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं त्रियुंड ट्रैक। से एक्चुअली हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि अराउंड 4 to 5 kilometers है। ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ आपको टैक्सी ड्रॉप करेगी, और वो सामने हमारा रास्ता है त्रियुंड जो जाता है, और वहाँ एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पॉइंट है जहाँ आपको एंट्री करनी होगी जाने से पहले। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आईडी प्रूफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गल्लू के टेम्पल तक कैब करने वाले हैं, तो कैब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि येस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोज नहीं जाते, जस्ट कैब ही जाएंगी। तो अभी ये ऑफ सीजन चल रहा है, तो कैब वाले ने स्टैंडर्ड प्राइजेज हैं सारे कैब्स वालों को, अकॉर्डिंग टू अर यूनियन दे हैव मेड। तो 500 rupees लेते हैं फ्रॉम मैक्लोडगंज टू गल्लू का टेम्पल,
और वहाँ से और वापसी के भी इट्स 400-500 ओनली. और उसके जस्ट 5 मिनट्स बाद ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक है. सो डू कैरी योर आईडी प्रूफ एटलीस्ट 1 पर्सन इन अ ग्रुप. तो बिकॉज वो हमें दिखाना पड़ता है आईडी प्रूफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. और वहाँ हमने एंट्री की और उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया. तो अभी तक हम 1 आवर का ट्रैक कर चुके हैं. इट्स अ वेरी टीडियस वन, बहुत ही स्टीप है और बहुत ही मज़ा भी आ रहा है. बाकी का हम आपको आगे जाते जाते बताते हैं. अभी 3 आवर्स का स्टिल रिमेनिंग. सो माई लेग्स आर ऑलरेडी पेनिंग. जाते जाते हमने देखा कि छोटा सा बकरी का बच्चा फंस गया है और वो अपनी मम्मी के साथ कनेक्शन बना रहा है. वो भी मैं बोल रहा हूँ और ऊपर से भी, पर वो फंस चुके हैं. तो हम जा रहे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए. उसको बस निकालते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ मिल सके. राइट. सो इसको यार ये तो और नीचे जाती जा रही है, इसकी फैमिली ऊपर है. सो हम पहुंच चुके हैं त्रियुंड और आप जैसा कि देख सकते हैं वी आर एंजॉइंग सनसेट राइट नाउ. इट्स एन अमेजिंग व्यू हियर. जो भी नीचे खून पसीना भाग कर आया ना, इट्स वर्थ इट गाइस. सो और ट्रैक बहुत ही अमेजिंग था. इट्स नॉट जस्ट अ इजी टास्क, काफ़ी मीडियम लेवल का ट्रैक है. तो हमने बहुत एंजॉय किया. यहाँ आकर हमने एक टेंट हायर किया है. सो गाइस प्लीज, ये बहुत सारे टेंट्स आप देख सक रहे हैं. और उस साइड व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बट देन देयर वर इट वाज सो मच क्राउडेड विद लॉट्स ऑफ टेंट्स. सो हमने थोड़ा पीसफुल एरिया में यहाँ अपने टेंट को सेटअप किया है. और यहाँ एक छोटा सा कैफ़े है जो कि 9 o'clock तक ही खुला रहता है. हियर यू विल गेट ओनली दाल चावल एंड मैगी. तो वन मोर थिंग, यहाँ पानी का कोई प्रोविजन नहीं है. एंड जो हमें वॉशरूम्स के लिए भी, दे आर नो वॉशरूम्स एट ऑल. तो जस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग व्हाइल कमिंग हियर. और इट्स वेरी चिलिंग. दो स्वेटर्स पहने हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत विंडी है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है. इट्स वर्थ. मॉर्निंग गाइस. तो आज बिंदास परिंदे उठते उठते आ गए हैं त्रियुंड हाइट्स पे. तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि रात द नाइट वॉज मेसमराइजिंग विद लॉट्स ऑफ स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस. तो यस, आप 5-6 kilometers का ट्रैक करके ज़रूर थक जाएंगे, बट नेवर मिस द स्काई. हमने रात को बहुत इंजॉय किया, स्टार्स देखे, क्योंकि ये नज़ारा आपको नीचे कहीं नहीं मिलने वाला. It is advisable to carry basic medicines like headache, body ache or fever ki medicines aapke paas honi chahiye, kyunki jo first time trekkers hai unko itni habit nahi hoti chalne ki. Aur because it was not that easy trek. Baki humne raat ko dinner mein yahan dal chawal aur maggi khaye,
We got dal chawal at the price of rupees 130 and Maggie 70 rupees. Yes, it is expensive, but phir bhi in logo ke liye bhi bahut difficult hota hai saman lana. Aur to it's not that expensive. Aur itni thand mein the garam garam rajma chawal, dal chawal and Maggie are worth it. Baki morning mein the sunrise will be at around 5:30 to 6. So you cannot afford to miss the sunrise. It's beautiful. So friends, I hope you like this video. So please like, share and don't forget to subscribe our channel, Bindass Parinde. Stay tuned for our upcoming videos. Thank you. Bye.